अब तो केन कॉर्नर में डाल दिया गया है क्योंकि केन साहब कप्तान बन गए हैं। अब टू लेट है सर, टू लेट नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिफाइंग होने का। मेरा मानने का ये है कि किसी को भी आप बनाते हैं तो वक्त लगता है ना, 7 मैच आप पीछे चल रहे हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो शायद ये 7 जीत जाए, लेकिन किसी कप्तान को अपनी टीम बनानी पड़ती है, फिर टीम को यू नो उस तरह से फिर इस्तेमाल करता है टीम को और उस तरह से आगे चलता है, फिर देखता है कोई मैच अच्छा रहा कोई मैच बुरा रहा क्या हुआ। अब तो आपने जो उसको दिया है अब सिर्फ उसको वीडिंग करनी है, इस खेत के अंदर अब वीड्स है, फूल नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, पहले उसको डीवीडिंग करनी पड़ेगी और फिर अगले साल आप फ्रूट की सोच सकते हैं। क्या बात है सर। वैसे आपकी जो बात है, बिकॉज आगे जो आंकड़ा है प्रज्ञान, सिंस 2018, ऐसे बात है नहीं कि आईपीएल में पहली बारी मिड सीजन कप्तान बदला जा रहा है। यहाँ पे अजय भाई ने भी बात करी थी, गौतम गंभीर दिल्ली ने 2018 में किया, उसके बाद देखिए क्या वो प्लेऑफ में पहुंचे, श्रेयस अय्यर उनकी जगह आए थे नहीं पहुंचे, राजस्थान ने अजिंक्य रहाणे को बदला, स्टीव स्मिथ आए प्लेऑफ में पहुंचे नहीं पहुंचे, कोलकाता ने यहाँ पे किया कि दिनेश कार्तिक को बदला ओएन मॉर्गन के साथ, प्लेऑफ में पहुंचे नहीं पहुंचे। तो शायद केन विलियमसन कितने भी बड़े कप्तान हो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अब ये जिम्मा जो उनके कंधों पे डाला गया। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो बात आप कह रहे थे, जो अजय भाई कह रहे थे, उसका जो डेप्थ है ये है कि जब आप एक कप्तान चूज करते हैं सीजन से पहले तो सारी प्लानिंग उसके इर्द गिर्द होती है, वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, फिर सडनली जब आप कप्तान बदलते हैं तो जो नया कप्तान बनता है तो वो तो उसमें नहीं रहता है ना, उसका सोच अलग रहता है, तो वो किस तरीके से ये जो ढांचा है उसमें ढलता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विलियमसन एक अलग कप्तान है, बाकियों से कंपेयर करें तो उनके पास अनुभव है, तो वो अगर टीम को बांध के रख सकते हैं और ये जो खली बनी है इसको अगर कवर कर सकते हैं तो कुछ चांस है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये सब मिस्टेक हुआ है इसलिए क्योंकि कप्तान जो पहले था उसकी सोच से टीम बनी थी, फिर वो मिड सीजन छोड़ता है तो फिर नया कप्तान को समय लगता है जैसे अजय भाई कह रहे थे। बट आई थिंक प्रज्ञान दी ओनली डिफरेंस यहाँ पे विलियमसन के साथ, एंड इफ आई माइट से ईज इन डिसीजन जो फ्रेंचाइज ने शायद लिया हो, क्योंकि विलियमसन टीम के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, सो इज अंडरस्टूड द वे दिस टीम वॉन्ट्स टू प्ले, क्या है उनका डायरेक्शन। 2018 में उन्होंने कप्तानी भी करी थी जब बोनो थे नहीं, साथ में उनको फाइनल तक लेके गए थे। तो कहीं ना कहीं अजय भाई जो बात बोली थी, अगर विलियमसन नहीं होते तो शायद आप ये डिसीजन लेते भी नहीं, पर क्योंकि आपके साथ एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके अंदर वो ईथॉस भरा हुआ है हैदराबाद का कि हमें ऐसे खेलना है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा भाई क्यों ना अब ये डिसीजन लिया जाए। जी बिल्कुल वही बात है कि आपके पास एक बना बनाया कप्तान है रेडी, तो इसीलिए वो लोग ये सोच रहे थे कि हमारा लास्ट रिजॉर्ट अभी ये है कि हम दूसरे अगर कोई फॉरेन प्लेयर को टीम में खिलाना चाहते हैं, उनके पास मोहम्मद नबी है, जेसन होल्डर, ये सब जो है ये मैच विनर्स है और ये प्रूव भी कर चुके हैं उनके लिए, तो इनको अगर खिलाना है तो कोई एक फॉरेनर अनफॉर्चुनेटली बाहर बैठेगा क्योंकि रूल वैसा है ये टूर्नामेंट का, तो इसीलिए उनके लिए ये जो प्रोसेस जो चेंज करने का थोड़ा इजी हो गया क्योंकि विकल्प है अच्छा। वही अगर आप देखें पिछले साल कोलकाता जब कप्तानी उन्होंने दी मॉर्गन को तो अभी तक भी वो भरपाई हो नहीं पा रही है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास विकल्प है नहीं है, आपने डिसीजन क्या लिया, सही है या गलत, ये तो अभी पता चलेगा आगे टूर्नामेंट में।